राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान में पाली लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी पीपी चौधरी के पक्ष में मतदान को लेकर पाली पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्य को गिनवाते हुए पारख ने कहा, एक झुककर पूरी ताकत और जोश के साथ इस द्वितीय चरण के चुनाव में लगी हुई है और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए काम किए हैं, उसकी एक छोटी सी जानकारी जनता को देकर हमारे पक्ष में मतदान की हम अपील कर रहे हैं। वैसे जो नरेंद्र मोदी ने काम किए तो डिटेल तो आपको हम आपको इस प्रेस नोट के दे देंगे, लेकिन जो बड़े मुद्दे उनके हैं जिसके लिए हम जनता को बस याद दिला रहे हैं कि उन्होंने देश की 140 करोड़ जनता को जिस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की, उनको सुरक्षित किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देश में आतंकवाद लगभग खत्म कर दिया, कहीं भी देश में किस प्रकार की आतंकवादी घटना की यदि किसी देशवासी की मौत हो जाए वो सारा कुछ अब बीती हुई बात हो गई है, ऐसा कुछ देश में नहीं होता। और मात्र देश में नहीं, देश के बाहर से जहाँ आतंकवाद पनप रहा था वहाँ भी उस आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया, ताकि भविष्य में भी देश में आतंकवाद की कोई घटना नहीं हो। इसके साथ साथ जो भारतीय विदेशों में बसे हैं, पहली बार अपने आप को इस कदर वो सुरक्षित समझ रहे हैं। और आपने देखा होगा रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, 20,000 से ज्यादा भारतीय वहां फंसे हुए थे, सबको ये नरेंद्र जी मोदी सुरक्षित लेकर आए हिंदुस्तान की धरती पर। क्या भी हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है तो वहां भी हर भारतीय को सुरक्षित निकाल लाए। उसके पहले तालिबान अफगानिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ तो वहां भी जितने भारतीय थे सबको सुरक्षित लेकर आए। उसके पहले सीरिया में संघर्ष हुआ तो वहां भी हर भारतीय को नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुरक्षा दी। और एक बहुत बड़ा काम अभी इस देश में हुआ है, कतर जो कट्टर इस्लामिक देश है, कट्टर, वहाँ जासूसी के आरोप में हमारे 9 अधिकारियों को वहाँ के न्यायालय ने मौत की सजा सुना दी। पहले अपने राजनीतिक प्रभाव से उस सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कराया और 1.25 महीने पहले उन 8 अधिकारियों को सुरक्षित अपने परिवार तक भारत में पहुँचा दिया। ऐसा काम कोई देश आज तक कतर में नहीं कर सका, ये काम इस नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बात हम लोगों को बताने भी, अगर देश में देशवासी को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होती है कि मैं सुरक्षित रहूं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो दिया है, इसका वास्ता हम सबको दे रहे हैं। देश को जो गौरव दिया राम मंदिर के रूप में, वो भी आप सभी कल्पना के बाहर की बात थी कि ये कभी काम हो ही नहीं सकता। लोग मानते थे ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, राम के नाम पर राजनीति करके वोट हासिल करना, पर आप खुद गवाह है कि राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लाखों दर्शनार्थी रूप दर्शन करते हैं। और मात्र भारत में ही राम मंदिर का निर्माण यहाँ तक रुके नहीं, अबू धाबी जहाँ मूर्ति पूजा पर रोक है, जहाँ मूर्ति पूजा एक अपराध है, वहाँ भी भव्य मंदिर बनाकर उसका भी लोकार्पण करवा दिया। और शारजा में भी एक और मंदिर की नींव की मौत हुआ। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी आगे बढ़कर जिस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, सारी जनता देखती है। अगर किसी परिवार के पास गैस सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर दिया है, कहीं शौचालय नहीं उसको शौचालय दिया है, किसी के पक्का मकान मकान दिया है, लाइट नहीं तो लाइट दी है, पानी नहीं तो घर घर नल कनेक्शन जाम से पानी दे रहे हैं, हर एक का बैंक खाता, ये सारी सुविधा भी इसने दी है, सुरक्षा दी, गौरव दिया, सुविधा दी, सम्मान भी दिया है। आप देखेंगे
कि किस प्रकार देश के जो अपने धार्मिक आस्था के केंद्र है, जिनके जिनके ऊपर पहले की सरकारों की कभी नज़र तक नहीं गई, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, पहले कहता था कितना भव्य रूप दिया है, चाहे उज्जैन महाकाल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, द्वारका है, एक एक करके सारी की सारी जो हमारी गौरवशाली धरोहर है उनको वापस गौरव देने का काम भी इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसके अलावा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारी कल्पना के बाहर काम करके उसे दिखाया है कि देश के हवाई अड्डे देखें आप किस प्रकार कितने नए हवाई अड्डे बने, जितने पहले नहीं थे मोदी के पहले उससे ज़्यादा हवाई अड्डे बना दिए। देश में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत नाम की एक बहुत ही अति आधुनिक ट्रेनों के जरिए देश की जनता को आवाजाही की सुविधा को उसने बहुत ही सुगम कर दिया। क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सड़कों के रूप में तो उसको भी एक बहुत अच्छी उनको स्वरूप दिया है। देश की मेडिकल सुविधा है तो जगह जगह एम्स बन रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सारे काम इस व्यक्ति ने किए हैं। ये सारे काम हमारी एक चुनावी ताकत के रूप में हम जनता के बीच उनको बता रहे हैं और जो जनता का फीडबैक मिल रहा है कि उनको किसी से मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी, हम तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, हम मोदी के लिए काम करेंगे। और एक बहुत अच्छा रुझान पाली लोकसभा क्षेत्र का तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भी उनके साथ कई किसी साहब के साथ कई गांव में घुमा हूँ। मोदी के नाम से जो माहौल बना हुआ है, मोदी के नाम से जो लोगों के मन में जोश है, हम बहुत भारी मतों से इस पाली की लोकसभा सीट को जीत कर मोदी के खाते में डालेंगे, ये आप सबके नाम नहीं पूरा पता जरूर पता है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसलिए विधानसभा वाला या पार्षद वाला वो माहौल तो बनता नहीं है। दूसरा कारण एक है कि जो सामने वाले उम्मीदवार हैं वो पहले से ही मान रहे हैं कि यहाँ जीतना मुश्किल है, तो वो अपनी ओर से पता नहीं करना, हमारा हर पार्टी अपने अपने बूथ पर अपने अपने वार्ड पर पूरी ताकत के साथ निकल रहा है। जिस प्रकार आपका रिजल्ट आता पाली में, क्या रणनीति इस बार आई? पाली में रणनीति हमारी पूरी बनी हुई है। मेरे चुनाव में मोदी का नाम नहीं था, इतना नाम नहीं था, वो तो मोदी के नाम से पूरा का पूरा चुनाव है। तो वो रणनीति की आवश्यकता नहीं है, हमने जो काम किए हैं, जो देश की जनता की मंत्रणा सुरक्षा दी है, सम्मान दिया है, गौरव दिया है, सुविधा दी है, वो काम अपना इससे पर्याप्त है कि मोदी के नाम का माहौल नहीं बना हुआ है। हम तो उसको बस जागृत कर रहे हैं और हवा दे रहे हैं, तेजी ला रहे हैं उसमें, उसका बहुत अच्छा परिणाम भी है ना आने वाले इस पोलिंग पराक्रम के। और दिख रहा है कि मोदी जी का पूरा माहौल बना हुआ है, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाली में सांसद पीपी चौधरी का एक जो रवैया है, लोगों से मिलनसार है, वो एक कमी पेशी लग रही है, लोगों से उतना मिलना नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख भी रही है, तो उसमें आप कैसे? नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है पीपी साहब के प्रति, पीपी साहब भी सक्रिय रहे, लगातार सक्रिय रहे हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और हर सांसद का हर जगह पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके साथ ही माने मोदी जी के टीम के वो एक प्रमुख सदस्य है, उनको कई कमेटियों का चेयरमैन बनाया हुआ है, उनकी जिम्मेवारी उनके पास रहती है, तो उनसे दिल्ली में रहना पड़ता है, लेकिन जब भी पार्टी कार्यक्रम में उनको बुलाया या किसी बड़े कार्यक्रम में उनको बुलाया तो पीपी साहब कहीं भी थे आए हैं, तो जनता के मन में कहीं भी पीपी साहब के लिए इस बात का रोशनी है कि वो मिलते नहीं है या कम दिखते हैं या काम नहीं करते। काम भी बहुत किया है अपने प्रयासों से इन्होंने पाली क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार की योजना थी उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चाहे पाली का छोटा सा रेलवे स्टेशन कोई बहुत बड़ा नहीं, ज़्यादा ट्रेनिंग भी जल्दी जंक्शन कभी बन नहीं सकता, उसके बावजूद भी 350 करोड़ राशि मंजूर करवाना कोई मामूली बात नहीं थी। सड़कों के मामले में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बहुत अच्छा उनका सार्थक प्रयास रहा है, काफ़ी सड़कें पाली को मिली है। और लोगों कई बार बड़े काम क्योंकि इसलिए नजर नहीं आते, जब उनका कहीं केंद्र ने सड़कें दे दिए होंगे, इनका प्रयास पूरा रहा है, तो कहीं उनके प्रति नाराजगी नहीं है। 2019 में जो मतगणना हुई और इस बार उससे कम हुई, और आप कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर और लोगों में उत्साह है, तो मतगणना कम हुई तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतगणना कम हुई, मतदान कम हुआ है, कि पूरे देश में कम हुआ है, देश में कम हुआ है, उसका कारण भी है। नहीं, देश का नहीं सर, केवल राजस्थान के और दूसरे राज्य हर राज्य में पहले की तुलना में कम हुआ है, चाहे बंगाल में हुआ तो वहाँ भी पहले मतदान अच्छा हुआ, लेकिन पहले की तुलना में कम हुआ है, तुलना में कम हुआ है। उसकी वजह यह कि इस बार कहीं फाइट ही नहीं है, एक तरफा चुनाव लगता है कि बीजेपी और मोदी जीतेंगे, तो सामने वाला पक्ष भी है ना अपनी ओर से कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहा है,
और हमारा जो अपना मतदाता है वो लगभग लगभग आकर पोलिंग अपना मत दे रहा है।